हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल सीएसबी एग्ज़ाम जो कि कंडक्ट होने वाला है 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को, तो इसके लिए जो एनसीईआरटी जीके हैं साथ में करंट अफेयर्स और जो स्टैटिक्स जीके हैं दोनों को मिक्स करके मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश करी है। एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं स्पोर्ट्स से, तो मैंने सोचा कि स्पोर्ट्स वाले ही टॉपिक को आपके साथ रखा जाए और जीके में भी एक दो क्वेश्चन जो है स्टैटिक्स जीके उससे सवाल आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को अवार्ड वाली वीडियो चाहिए जिसमें कि इम्पॉर्टेंट अवार्ड और जो सम्मान लोगों को मिला है, तो उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो नीचे कमेंट करके आप लोग अवार्ड लिख दीजिए। तो अवार्ड के ऊपर जो है एक वीडियो मैं रात में ही रिकॉर्ड करके अर्ली मॉर्निंग शेड्यूल कर दूंगा कि आप सुबह 6-7 बजे से देख पाओ। तो जितने लोग अवार्ड करेंगे कम से कम 50 लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए, तो इसके ऊपर जो है आपको वीडियो जितनी जल्दी आप कमेंट करोगे उतनी जल्दी आपको मिलेगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए आखिरी समय में, आखिरी 10 दिनों में अगर आपको पढ़कर कुछ अच्छा करना है तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो। पहली वार्निंग मैं आप लोगों को दे देता हूं, जिन लोगों ने खुद से नोट्स तैयार कर रखा है उन्हें नोट्स या फिर कहीं भी कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। जो 6-7 महीनों से इसकी तैयारी कर रहे हैं, यू डोंट नीड टू बाय एनीथिंग, किसी से कुछ मत खरीदो, अपने बनाए हुए नोट्स पे भरोसा करो, उस पे पढ़कर आप एग्जाम दो। लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है पढ़ने के लिए, फर्स्ट टाइम एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, वो 399 में मेरे हैंड रिटन नोट्स एक्वायर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आर्मी स्कूल 3 times क्वालिफाई कर रखा है, उस बेस पे मैंने ये नोट्स तैयार किया है जो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। और 100 पेज में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी ले सकते हो ताकि आपको पैटर्न पता चल सके। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsinghat@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो, इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsinh। तो चलिए शुरू करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बजरंग पुनिया इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। बात की जा रही है बजरंग पुनिया की, ये कौन सा स्पोर्ट्स में जो है इन्वॉल्व है या ये किस स्पोर्ट्स को खेलते हैं, तो इसका सही जवाब है रेसलिंग। और बजरंग पुनिया का नाम जो है अभी हाल में ही बहुत ही पॉपुलर हुआ था, क्योंकि इन्होंने जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट नहीं बट वो फेडरेशन के अगेंस्ट में इन्होंने जो है प्रोटेस्ट वगैरह किया था, याद रखिएगा। तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे मार्क कर लीजिएगा। आगे देखते हैं सुमन गिल, सुमन गिल एक उभरता हुआ खिलाड़ी है इसलिए इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुमन गिल के बारे में एक और जान लो, इनका जो निकनेम है, इनका निकनेम क्या है, प्रिंस, याद रखिएगा। ये पंजाब से आते हैं और इनको प्रिंस कहा जाता है, किंग विराट कोहली को इनको प्रिंस कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं सुमन गिल के बारे में, तो सुमन गिल को जो है आईपीएल में, आईपीएल आप लोग जानते हो इंडियन प्रीमियर लीग में, 2023 के लिए सबसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इनको चुना गया था, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इससे इस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। सेकेंडली ऑरेंज कैप होता है, एक ऑरेंज कैप जो है वो विनर को दिया जाता है, जो सबसे ज्यादा रन गेटर होता है, तो ऑरेंज कैप भी इन्होंने जीता था और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का भी अवार्ड इन्होंने जीता था। अगर आपको आईपीएल के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, आईपीएल के ऊपर कि आईपीएल में किसने किसने क्या क्या जीता, कौन सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर रहा, तो नीचे कमेंट करके आईपीएल जो है आप लिख देना, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी। फिलहाल देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कोनेरू हम्पी ये जो है किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, ये आपको बताना है। तो देखिए कोनेरू हम्पी के बारे में ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इस खिलाड़ी ने ना अर्जुन अवार्ड भी जीता हुआ है, याद रखिएगा, अर्जुन अवार्ड से ये सम्मानित है पहली बात। दूसरी बात, इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, नोट डाउन करते जाइएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है और ये चेस से संबंधित है। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, ये आंध्र प्रदेश से जो है आती है, इनका जो नेटिव स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच गेम डिड सरबजोत सिंह बिलोंग टू, सरबजोत सिंह जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो देखिए सरबजोत सिंह जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये क्रिकेट से संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं, सॉरी वेट 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 एक मिनट, ये जो है सॉरी ये शूटिंग से संबंधित हैं, क्योंकि शूटिंग में इन्होंने हाल में ही 10 meter वाले एयर पिस्टल इवेंट में, जो कि कहाँ ये जो इवेंट है ये इसका नाम था ISSF राइफल एंड पिस्टल वर्ल्ड कप, इसमें इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आपसे पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है ये कितने मीटर का जो है शूटिंग से जो है संबंधित है, तो 10 meter ISSF में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हु वन द गोल्ड मेडल एट अ वर्ल्ड, देखिए यहाँ पे आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले 75 kg के फाइनल में किसने जीता है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बात की जा रही है गोल्ड मेडल की, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के काइटिन पार्कर को इन्होंने हराकर जीता है,
ठीक है, बहुत सारी जो है आपको क्लू यहाँ पे मिल चुका है। तो इसका जवाब देखो लवलीना है और ये आसाम से आती है। कहाँ से आती है? आसाम से। नोट डाउन कर लीजिएगा, आसाम से आने वाली है और इन्होंने जो है फाइनल में हराया है और गोल्ड मेडल जीता है। और ये कौन से स्पोर्ट्स को खेलती है? तो यहाँ पे देखो आंसर भी आपको मिला हुआ है, बॉक्सिंग से ये एसोसिएटेड है। एग्जाम में शायद इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। विच प्लेयर हैज ऑनर्ड विद द गेट एट द आइकॉनिक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड? देखिए इनको ऑनर किया गया है, आइकॉनिक सिडनी जो ग्राउंड है उसके गेट पे जो है इनको ऑनर मिला हुआ है, इनका नाम यहाँ पे रखा गया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर, पूरा नाम है, महाराष्ट्र से आते हैं और सबसे ज्यादा रन इंटरनेशनल लेवल पे चाहे वो टेस्ट हो या फिर ओडीआई हो, और ओवरऑल में अगर सेंचुरी की बात की जाए तो सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा 100 सेंचुरी मारी हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हु वॉन अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2023? ठीक है, अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सर्जियो। सर्जियो ने जो है ये प्राइज ये जो है जीता हुआ है। और ये कहाँ से आते हैं? ये मैक्सिकन रेसिंग ड्राइवर हैं। ये कहाँ से हैं? मैक्सिकन रेसिंग ड्राइवर हैं ये सर्जियो। और सर्जियो से मुझे जानते हो क्या याद आ रहा है? वो मनी हाइस्ट वाला प्रोफेसर, पता नहीं गूंजता रहता है। खैर आगे देखते हैं। हु बिकम द मोस्ट कैप्ड ओवरसीज कैप्टन इन आईपीएल रिसेंटली? तो देखिए मोस्ट कैप्ड प्लेयर की बात की जा रही है, यानी वैल्यूएबल प्लेयर की बात की जा रही है, तो ओवरसीज यानी कि विदेश के खिलाड़ी के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? डेविड वार्नर। डेविड वार्नर जो है ये अलग अलग जो है अलग अलग टीम के लिए जो है कैप्टनसी कर चुके हैं। फिलहाल ये जो दिल्ली है, दिल्ली कैपिटल, वहां से ये खेलते हैं, डीसी से, दिल्ली कैपिटल से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पीवी सिंधु जो है किस स्पोर्ट से संबंधित है? बड़ा ही आसान सा सवाल है और बहुत ही आसान सा इसका जवाब भी है और आपको पता भी है इसका सही जवाब क्या होगा। ये बैडमिंटन खेलती है, राइट। और यहां से देख लो, बैडमिंटन ये रहा ऑप्शन नंबर सी की ओर, पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है और ओलंपिक में हम लोगों के लिए मेडल भी ला चुकी है, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्री गुरु चरण सिंह जो है किस स्पोर्ट से संबंधित हैं? बड़ा ही अच्छा सवाल है, तो याद रखिएगा ये क्रिकेट से संबंधित है और ये कोच वगैरह भी इन्होंने जो दे रखी है। और ये नाम क्यों पॉपुलर है? ये पुराने क्रिकेटर हैं, तो देखिए पद्मश्री अवार्ड इनको मिला हुआ है 2023 के लिए, 2023 के लिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2023 के लिए जो है इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। विच स्पोर्ट्स डज, देखिए स्वात्विक जो रानी रेड्डी हैं ये कौन सा स्पोर्ट्स खेलती है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहां से देखो आप इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बैडमिंटन, यानी कि 4 का B आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंडियन टीम से स्टार हॉकी प्लेयर, उस हॉकी प्लेयर का नाम आपको बताना है जिसने, देखिए फर्स्ट वुमेन है जिनको जो है एक स्टेडियम इनके नाम पे रखा गया है और ये रायबरेली में है। बहुत अच्छी बात है कि पहली हॉकी प्लेयर है ये, और इनका नाम देखिए क्या है, रानी रामपाल। रानी रामपाल के नाम पे एक स्टेडियम रख दिया गया है इनके नाम पे रायबरेली में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एग्जाम में बहुत पूछे जाने वाला सवाल है। अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री डिड अर्शदीप सिंह विन गोल्ड मेडल इन मैंस 20 किलोमीटर, सॉरी यहाँ पे मीटर होना चाहिए था, एशियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप, शायद ये रेस ही है, 20 किलोमीटर ही होना चाहिए। फिलहाल इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए यानी कि जापान में इन्होंने जो ये चैंपियनशिप में जो है मेडल गोल्ड मेडल जीता है। आगे बढ़ेंगे। हु हैज क्लींज द वुमेन्स टाइटल इन स्पेन मास्टर्स 2023 हेल्ड इन मैड्रिड स्पेन, यानी कि मैड्रिड स्पेन में ये हुआ था और किसने ये जीता है? तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा, यहां से आप देख पाओगे, ये जो है गॉर्जिया तानजेंग, इन्होंने जो है इस टाइटल को जीता है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सॉरी इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु, ये बी इसका सही जवाब है, सॉरी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वेट, अगला क्वेश्चन देखो। विच मेडल हैज बीन वॉन बाय द मानिका बत्रा? मानिका बत्रा जो है एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट हुआ था, इसमें इन्होंने कौन सा पदक जीता है, कौन सा मेडल जीता हुआ है? तो ब्रॉन्ज, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। और याद रखिएगा ये कहाँ पे हुआ था, तो ये जो है बैंकॉक में हुआ है, कहाँ पे, और बैंकॉक आपको पता ही है कहाँ पे है। और दूसरी बात, मनिका बत्रा जो है ये दिल्ली से संबंधित है, न्यू दिल्ली से, ये जो है इनका जो यूटी है वो न्यू दिल्ली है, यानी कि ये स्टेट आप समझ लो। अब अगला सवाल देखो क्या है, हु हैज वॉन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023? बात किसी की जा रही है, इंडिया की पहले गोल्ड मेडल की, किसमें, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो 2023 में हुआ था, इसमें
पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है अमन शेरावत। क्लियर होगी बात। अब ये किस में खेलते हैं, तो देखिए ये फ्री स्टाइल रेसलिंग होता है, इसमें ये खेलते हैं। कितने केजी वाले वेट में? 57 केजी वाले वेट में ये खेलते हैं, याद रखिएगा। और ये जो एशियन रेसलिंग है ये 36 जो एडिशन है, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला सवाल देखो, विच स्पोर्ट्स पर्सन लाइफ इंस्पायर्ड द बायोपिक 800? तो देखिए मुरलीधरन ने आखिरी मैच में, जैसे 8 या 10 विकेट बाकी था इनका, और इन्होंने कहा कि ये मेरा आखिरी टेस्ट होगा, अगर 800 कंप्लीट हुए तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं। और आखिरी मैच में इन्होंने 800 विकेट लिया था और सहवाग इसमें 299 या 296 में आउट हो गए थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुथैया मुरलीधरन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हाउ मेनी ईयर्स वाज CWG चैंपियन? देखिए ये जो संजीता चानू है नाडा के द्वारा, नाडा जो है एक ड्रग एजेंसी है जहाँ पे आपका ब्लड और यूरिन टेस्ट किया जाता है प्लेयर्स का, एथलीट का, कि इन्होंने जो है प्रतिबंधित ये जो रिस्ट्रिक्टेड मेडिसिन है, ड्रग्स है, ये लिया है या नहीं, कंज्यूम किया है या नहीं। बहुत सारे कप सिरप्स में जो है ड्रग्स मिलाया जाता है, याद रखिएगा। और नाडा के द्वारा इनको सस्पेंड कर दिया गया है, कितने दिनों के लिए? तो ये 4 ईयर्स है और ये मणिपुर से आती है, जो चानू भाई है, ये चानू जो है ये कहाँ से आती है? मणिपुर से आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे बढ़ेंगे। Who won the Delhi International Open Chess Title? किसने जीता है ये? तो ऑप्शन ए MT वासुदेवन, ये पहला आंसर इसका सही है। और क्या इसमें है, ये कहाँ से एसोसिएटेड है? तो देखिए ये तमिलनाडु से आती है, तमिलनाडु से, और इन्होंने ओपन चेस टाइटल जीत लिया है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया है। पाटिल जिन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है कहाँ पे? ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में। अब पूछा गया कि ये किस खेल से संबंधित है, देखो आंसर आपको यहाँ पे झलक जाना चाहिए था, शूटिंग इसका सही जवाब है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लो, इन्होंने 10 मीटर वाले जो है शूटिंग में ये प्रतियोगिता हुई थी, कंपटीशन होता, उसमें इन्होंने जीता है। ये कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है, महाराष्ट्र से ये आती है। अगला सवाल, हु हैज बिकम द इंडियन प्लेयर टू हिट द मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस इन ODI? ODI में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले इंडियन प्लेयर कौन बन चुके हैं? तो इसका सही जवाब है रोहित, इनका नाम हिटमैन भी बोला जाता है इनको, रोहित शर्मा इज द सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और सेकेंड नंबर पे कौन है? MS धोनी, जिन्होंने जो है 223 यानी कि 223 छक्के इन्होंने लगाए हैं। अगला सवाल, विच प्लेयर हैज वॉन द 2023 एडिलेड इंटरनेशनल मेंस सिंगल टाइटल 2023? एडिलेड की बात की जा रही है, इंटरनेशनल मेंस सिंगल टाइटल की बात की जा रही है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नोवाक जोकोविच ने ये टाइटल क्लिंच किया है, जीता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपको उस फीमेल के बारे में बताना है, उस फीमेल प्लेयर के बारे में जिनको 3.4 करोड़ की बिडिंग मिली हुई है वुमेन IPL जो हुआ था उसमें। तो देखिए इसका सही जवाब है स्मृति मंदाना, जो कि कहाँ से आती है? महाराष्ट्र से आती है। और इन्होंने जो है किस टीम को ज्वाइन किया था? तो RCB को ज्वाइन किया था, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हु हैज बिकम द 5th highest रन स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ ODI क्रिकेट, यानी कि सबसे ज्यादा 5th, देखिए इनसे ऊपर 4 और भी हैं, ये 5वें नंबर पे पहुंच चुके हैं, इनका नाम है विराट कोहली। और रिसेंटली इन्होंने जो है 13,000 रन भी स्कोर कर लिया है, तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। अब देखिए ऐश्वर्या प्रताप सिंह जो इन्होंने जो है मेडल जीता हुआ है, अब आपको बताना है कि इन्होंने कौन सा मेडल जीता हुआ था। तो देखिए इसका सही जवाब है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है, ठीक है। कितने वाले मीटर वाले चैंपियनशिप में? तो 50 मीटर वाले चैंपियनशिप में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखो ल्यू थॉमस सेन, इन्होंने जो है मेडल जीता है 10 मीटर एयर राइफल ISSF वर्ल्ड कप में, यहां से सवाल जरूर पूछा जाएगा आपसे। अब पूछा गया है कि इन्होंने कौन सा मेडल जो है एक्वायर किया था, तो देखिए ये सबसे पहले ये आप जान लो, ये बेंगलुरु से आती है, बेंगलुरु कर्नाटका से आती है, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। आगे बढ़ेंगे, सौरभ चौधरी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? सौरभ चौधरी जो है किस स्पोर्ट्स से आते हैं? तो देखिए सौरभ चौधरी के बारे में आप को 2-3 चीजें जान लेनी चाहिए। 10 मीटर राइफल में इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता हुआ है, कहां से? गोल्ड मेडल से। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शूटिंग। चलिए आगे बढ़ेंगे, विनेश पोगाट और इनके ऊपर जो है दंगल मूवी बनी थी, आप लोगों ने जरूर देखा होगा। अब आप जो है आंसर आसानी से कर पाओगे, इन्होंने जो है कौन सा स्पोर्ट्स से संबंधित है? रेसलिंग से, पहली बात। और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर हैं जिन्होंने देखो गोल्ड मेडल जीता हुआ है, कहाँ कहाँ? 2 जगहों पे गोल्ड मेडल जीता हुआ है। पहला है कॉमनवेल्थ गेम में जो है इन्होंने CWG में गोल्ड मेडल जीत के इंडिया के लिए आई हुई थी, और एशियन गेम में भी इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता हुआ है। तो ये पहली महिला है अभी तक जिन्होंने 2 अलग अलग इवेंट में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की ओर।
इंडिया वंस, अब आपको बताना है कि वो लॉन बॉल्स में जो है कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 2022 में, अब आपको बताना है कि इंडिया ने जो है कौन सा मेडल जीता हुआ है यहाँ पे। तो इसका सही जवाब देखिए गोल्ड है, और किन किन लोगों ने जीता है, तो रूपा रानी, मैं आपको एक एक इनका जो पहला नाम है वो लिख देते जाता हूँ, आप लोग याद कर लेना, रूपा रानी तिरके इनका पूरा नाम है। दूसरे नंबर पर है लवली, ठीक है, लवली चौबे इनका पूरा नाम है, मैं नहीं लिखूंगा। तीसरे नंबर पे है पिंकी, इन्होंने जो भी ये अवार्ड जीता हुआ है, पिंकी नयन मोनी इनका नाम है, और देखिए सॉरी तीसरा नाम चौथा जो नाम है वो नयन मोनी साखिया, इनके द्वारा ये जीता हुआ था, चार लोगों ने मिलकर ये जीता था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, हु हैज वॉन अ गोल्ड मेडल एट नेशनल लेवल इन स्क्वैश चैंपियनशिप इन जम्मू, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद कर लेना आप इसे, पलक मुमताज, और 11 साल की है ये, और ये कहाँ से आती है, कश्मीरी गर्ल है ये, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कश्मीर से आती है और 11 साल में इन्होंने जो है चैंपियनशिप जीत ली है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की ओर, और 31 नंबर क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है आपसे, कुंजा रानी देवी कुंजा रानी देवी जो है ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो इसका देखो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वेट लिफ्टिंग से। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, कुंजा रानी देवी को जो जो अवार्ड मिले हुए हैं वो आप एक बार याद रखो, पद्मश्री इन्होंने जीत चुके, ये जो है इनके द्वारा पद्मश्री इनको मिल चुका है, अर्जुन अवार्ड ये जीत चुकी है, याद रखिएगा अर्जुन अवार्ड भी जीत चुकी है, और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी ये जीत चुकी है। अब राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल दिया गया है, नीचे कमेंट करके बताइएगा उसका नाम क्या है। हु हैज बीन अवार्डेड द आईसीसी स्प्रिट ऑफ द क्रिकेटर अवार्ड 2022, आसिफ शेख, सॉरी ये कहां से आते हैं, नेपाल से आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा आप। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, हु हैज वन सर, देखिए गैरी सॉवर्स अवार्ड जो है हर साल 2022 में 23 में 24 में 25 में हमेशा दिया जाएगा, तो आपसे पूछा गया है किसने ये जीता है, बड़ा आसान सा सवाल है, बाबर आजम के द्वारा जो है इनको ये प्राइज दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी इनको मिला हुआ, यानी कि टेस्ट वनडे सभी फॉर्मेट में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले को ये दिया जाता है, तीनों में एवरेज मिलाकर निकाला जाता है, तो बाबर आजम इज द राइट आंसर। अगला सवाल देख लो, हु हैज वन मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, तो देखिए मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर अवार्ड यानी कि सूर्या, और इनका जो निकनेम है वो स्काई भी है, ये महाराष्ट्र से आते हैं। अगला सवाल देखो, हु हैज रिसेंटली वन मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, मेंस का जो टेस्ट क्रिकेटर अवार्ड है किनको दिया गया है, तो इसका सही जवाब है बेन स्टोक्स, ये इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन भी हैं। जाते जाते आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़े जाता हूं, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में देना। बाय द वे 399 में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स एक्वायर कर सकते हैं, आखिरी समय में ये रामबाण आपके लिए होगा, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsingh। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, हैव अ गुड डे।